मध्य प्रदेश की जो है दमोह जिला और पथरिया ग्राम, देखिए ये भी एक अद्भुत संयोग हुआ। आपने सुना होगा कमल कहाँ उत्पन्न होता है, कीचड़ में होता है, जल में होता है, सरोवर में होता है, लेकिन जो है पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी रूपी कमल, क्योंकि उनका नाम जो है अरविंद है, गृहस्थ अवस्था का क्या नाम है अरविंद है, और अरविंद जो है एक कमल का जो है पर्यायवाची है। दुनिया के जितने भी फूल कमल है आदि हैं वो सब जो है सरोवर में जो है पितरोवर में या बगीचे में होते हैं, लेकिन वह जो है गुरुदेव रूपी जो है कमल है वह जो है पथरिया, और पथरिया कैसे कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में जो है छोटे से पत्थर को पथरिया कहते हैं, तो ऐसे जो है पथरिया और पहाड़ में वहां पर है, गांव में गया था देखने तो वहां पहाड़ है और उस पहाड़ के बीचों इसमें एक कस्बा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है उसका, तो ऐसे उस पथरिया के नगर पथरिया पत्थर के ऊपर जो है जो कमल हुआ, और जो केवल वहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि सामान्य कमल तो जो है उस स्थान तक ही वो खिलता है, वहीं तक ही अपनी जो है खुशबू बिखेरता है, लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज रूपी जो कमल है पूरे हिंदुस्तान में जो है खिल रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान की जो है जगह नगर नगर में गांव गांव में जो है अपनी जो है खुशबू बिखेर रहे हैं, और उनकी ही बैराग विराग वाटिका, उनकी ही संयम की वाटिका के जो है फूल पुष्प जो है पूरे हिंदुस्तान में अनेक अनेक प्रांतों में जो है विचरण कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, वो भी अद्भुत, देखिए उनका सहयोग देखिए। दुनिया में व्यक्ति के एक गुरु होते हैं, कहते ना जो है गुरु क्या होता है जीवन में एक ही होता है, गुरु कीजिए जानकर पानी कीजिए जानकर, लेकिन पूज्य गुरुदेव का इतना सौभाग्य गए भाग्य गए कि जो है उनके जीवन में 29वां पदारोहण दिवस और दीपावली के पावन अवसर पर दीपावली का कैलेंडर जो छपा है इसका विमोचन हो रहा है, गुरुदेव की आज्ञा से विमोचन होगा। नीरंत कुमार जी आए, विचित्र जी आए, पप्पू चाचा जी आए, राहुल जी आए, जोली भाई आए, हाँ यहाँ पर और विमोचन करें। जोली भाई, राहुल भाई आए, विमोचन करें आगे जल्दी। एक मिनट ढो आ जाने, एक मिनट खड़े बीच में। सभी लोग ये कैलेंडर की प्रति एक एक अपने साथ ले जाए, एक एक परिवार में एक एक जाएगी और लेमिनेट करा के रख रहे, हमेशा ही कार्य आए काम आएगी हर दीपावली में। होली भाई है, राहुल जी का राहुल पक्का चेंज कर रहे हैं। इधर आओ, सुना इधर खड़ी हो ना, हाँ जया आओ, आया आप सदन में आ जाओ।
गए आज के मतलब दीपावली के दिन, इसलिए मोक्ष कल्याणक का वह दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरे यहाँ पर शाम को बोले हमारी दीपावली जो मनाई जाती है उसका लक्ष्य है कि जो है हम सुबह लड्डू चढ़ाते हैं प्रातःकाल की वेला में, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं, और शाम की वेला गोधूली वेला गौतम स्वामी जो है क्या गए हैं उनको केवल जानो। यहाँ रखिए बहुत से लोग जो है भ्रम में जो है दीपावली एक दिन पहले बना लेते हैं, बहुत से बोल रहे हैं कि 14 तारीख की दीपावली, 14 तारीख दीपावली, 14 दीपावली। ध्यान रखिए जैन धर्म के अनुसार हमारे दीपावली मनाने का एक जो है रीजन है, और सुबह जो हम प्रातःकाल जो है हम लड्डू चढ़ाते हैं भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के अवसर पर, और शाम को दीपक जलाते हैं, शाम को भी हम जो है केवल ज्ञान की पूजन करते हैं। क्या करते हैं? केवल ज्ञान की जो है हम अष्टद्रव आदि से जो है पूजन करते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी को उस दिन जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए गौतम स्वामी की यहाँ मूर्ति है, पूज्य गुरुदेव की जो है तस्वीर आदि है, समोषण की भी यहाँ पर जो है उसका जो है विस्तार दिया गया। नीचे जो है आप लोग ग्रस्त हो और ग्रस्त हो, गृहस्थी में अनेक प्रकार की जो है आप सुख चाहते हैं और आप अनेक प्रकार की जो आशीर्वाद चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी प्राप्ति का जो यंत्र सर्वकार सिद्धि यंत्र। पहले क्या होता दीपावली आप घर पर दिवाली पे जो दीपक जलाते थे तो फोटू वगैरह रखते थे तो अलग अलग कहीं पर तो दिक्कत होती है, एक साथ यहाँ पर जो है गौतम स्वामी की भी और भगवान महावीर स्वामी की, और यहाँ पर एक जो पहले क्या होते दीवार पर कुछ बनाते थे आप श्री वगैरह बनाते थे, तो वो यहाँ पर श्रुक्ति आदि यहाँ पर उसको बनाया गया है, और यहाँ पर श्री यंत्र ओम आदि बहुत सारी अच्छी अच्छी और अष्ट प्रात्याहार 24 भगवान की फोटो वगैरह सारी बहुत सुंदर जो है तरीके से यहाँ कैलेंडर जो है तैयार किया गया। आप सभी जो है इसको जो बढ़िया इसको जो है फ्रेमिंग करा के अपनी जो अच्छी रखें, जिससे कि आपको कालांतर में जो है हमेशा जो है उसकी जो है आप उनको रख करके आप जो है भगवान की पूजन ध्यान रखिए। बाकी तो हम बाद में बताएंगे, जो हम दिवाली को जो है पूजन करेंगे तो उसके लिए जो है हम क्या करें, वैसे तो देखा जाए पूजनी नहीं है, एक प्रतीक है। पूजने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यदि आपके पास कोई घर में यंत्र हो आप यंत्र रखना, अथवा नहीं तो शास्त्र, हमारे देव शास्त्र गुरु पूजनी है, घर में देव नहीं जा सकते हैं और जो है ना गुरु जा सकते हैं, केवल आहार की मुद्रा ही जाते हैं बाकी नहीं जाते, तो इसलिए देव शास्त्र गुरु को हम प्रतीक रूप में हम इसको कैलेंडर रहेगा, और उसके बाद जिनवाणी शास्त्र प्रथम कर्णम चरणम चारों नियोग के साथ रखेंगे, और उसके बाद हम में आए छोटी